सबसे पहले हम अभिनंदन करते हैं उस शेर का जिसने चैलेंज करके 4000 किलोमीटर यात्रा निकाली और उस पूरे देश में उस केंद्र की घमंडी सरकार को बता दिया कि देश के लोगों के मुद्दों को समझना पड़ेगा, देश के लोगों की आवाज को सुनना पड़ेगा। हमारे नेता राहुल गांधी जी फिर दहाड़ करके हमारे आदिवासियों भाइयों को साथ लेकर के इस देश में जो अहंकारी सरकार है उसका घमंड चूर करने का आगाज आज राजस्थान की इन मानगढ़ की पवित्र स्वतंत्रता सेनानियों की धरती से करने जा रहे हैं। मैं एक बात निवेदन करना चाहता हूं, आज हमारा इस बात का भी सौभाग्य है कि आदिवासी भाई और बहनों के लिए जो अत्याचार हो रहे हैं, जो जुल्म हो रहे हैं, जो बलात्कार की घटनाएं हमारी आदिवासी मां बेटी बहनों के साथ में मणिपुर में हो रही हैं, उसके लिए राहुल गांधी जी हमारे नेता आज लोकसभा में दहाड़ करके उस रावण रूपी केंद्र की सरकार को चेता करके आए हैं कि अहंकार आपका मिटा के रहेंगे। आज इस पावन धरती से हम संकल्प लेने वाले हैं कि जिस प्रकार से हमारी नेता इंदिरा गांधी जी ने गरीबी मिटाओ का नारा दिया था, हमारी लोकप्रिय सरकार ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में महंगाई घटाओ का काम शुरू कर दिया है और ये महंगाई घटाओ घटा के रहेंगे। केंद्र की मोदी सरकार ने न महंगाई घटाई, न आदिवासियों का ख्याल रखा, न माता बहनों को ख्याल रखा, केवल अहंकार में डूबे हुए हैं। इसलिए मैं राहुल जी आपसे पावन दिवस के ऊपर आपका आदिवासी भाइयों के बीच में स्वागत तो है ही है, लेकिन राजस्थान की इस पावन मानगढ़ की धरती से आपका जो आह्वान होगा, यहां से हम सब संकल्प लेकर के जाएंगे 2023 में पुनः कांग्रेस की सरकार बनाएंगे और 2024 में उस केंद्र की घमंडी सरकार को मुंहतोड़ जवाब देंगे और सत्ता से हटा के रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आपका पुनः बहुत बहुत हार्दिक स्वागत अभिनंदन। हम चाहते हैं कि हम राहुल जी को सुने, इसलिए मैं ज्यादा नहीं कह के इतना कहना चाहता हूं, सत्ता और संगठन समन्वय के साथ इन आदिवासी भाइयों के साथ में मिलकर के हम लोग राजस्थान में पुनः भारी बहुमत के साथ में राजस्थान में आपके नेतृत्व में सरकार का तख्ता पलट करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सम्मानित मंच पे पधारे हुए नेताओं का भी स्वागत अभिनंदन, आप सब पधारे और मेरे आदिवासी भाइयों का भी बहुत बहुत आभार कि आप सुबह 6-7 बजे आकर के यहाँ बैठ गए थे। राहुल जी 25 किलोमीटर तक लाइन लगी हुई है, पैदल देख लीजिए, रोड पे 1 इंच भी जमीन नहीं है। हमारे आदिवासी भाई आपका इस्तकबाल करने के लिए, आपका स्वागत करने के लिए, आपका पुनः बहाली के ऊपर अभिनंदन करने के लिए यहाँ पर आया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस।